नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन सिवान सदर का। आज मतगणना जो है वो शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह से बारिश हो रही है और उसके बावजूद जो मतगणना की कार्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि सिवान सदर प्रखंड में 18 पंचायत है, 18 पंचायतों का जो फैसला होगा वो आज होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बारिश का समय है लेकिन फिर भी अधिकारी लगे हुए हैं। सर ठीक है, कैसी स्थिति है, क्या है शुरुआत? अच्छी स्थिति है, बारिश के बावजूद सब लोग अनुशासन के साथ काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। एक पंचायत की सर गिनती करने में लगभग कितना समय लग सकता है? लगभग 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट हो जाएगा। और शुरुआत सर कहाँ से हुई है? कुछ सियारी पंचायत से हुई है। सियारी से शुरुआत हो चुकी है। वो है जी, जी पहले सियारी है, फिर सरावे, जी जी जी, फिर पिटोरी, फिर मकरियार, धनौती, चनौर, भंटा पोकर, रामापाली, बघरा, हसनपुरवा, सरसर, ऐसे करके क्रम से है। क्रम संख्या से है। मतलब कि सर स्टार्टिंग हो चुकी है। स्टार्टिंग हो चुकी है। और बारिश के लोग बारिश को लेकर थोड़ी सी परेशानी नहीं बढ़ गई होगी? है, व्यवस्था है, पंडाल वगैरह है। बिल्कुल, आपने देखा कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा यहाँ पे, इनसे बातचीत हुई। इनका कहना है कि 45 मिनट लगभग एक पंचायत की काउंटिंग में लगेंगे। और जिस तरीके से बारिश को लेकर के सुबह से स्थिति खराब हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश का जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि जो मतगणना केंद्र जो बनाए गए हैं डाइट सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे पानी से लबालब हो चुका है जो ग्राउंड है। मीडिया सेंटर भी आप देख सकते हैं कि डूब चुका है। ये स्थिति है सिवान के डाइट सेंटर की, जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आज मतगणना का जो है पहला, यानी कि सिवान सदर प्रखंड जो है उसका जब चुनाव संपन्न हुआ तो वहाँ से शुरुआत आज उसकी हो चुकी है, जिसको लेकर के 18 पंचायतों का जो फैसला होगा आज आना है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम आला अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है और ये सामने काउंटर बनाए गए हैं। 236 बूथ है जैसे कि बताए जा रहे हैं, 9 काउंटर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं 9 काउंटर सीरियली 1, 2, 3, 4 से लेकर के तमाम वहां से हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं कि 9 काउंटर बनाए गए हैं। 9 काउंटर पे यहां पे बिल्कुल जैसे कि एसडीओ ने बताया कि बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन बारिश के वजह से परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। ऐसे में काउंटिंग की जो प्रक्रिया है शुरुआत होगी, रिजल्ट जो है जैसे कि एक एक पंचायत में 45 से 50 मिनट लगेंगे फैसले आने में। उसके बाद ही पता चलेगा कि किस पंचायत से जो मुखिया है या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है कौन होता है, किसके सरताज होता है। लेकिन आपको बताते चले कि जो यहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। सुबह से लेकर के एसडीपीओ हो, एसडीओ हो, तमाम आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं। और सामने से ये एंट्री गेट है, ये भी आप देख सकते हैं कि सामने से एंट्री गेट है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग भी अगर अभ्यर्थी हो या फिर कैंडिडेट हो, जो लोग वहाँ से एंट्री कर रहे हैं उनके पास अगर कार्ड है तो ही प्रवेश करने दिया जा रहा है, अन्यथा किसी बिना किसी कार्ड के प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, मीडिया सेंटर जो बनाया गया था यहाँ पे, इसकी स्थिति आपके सामने है, बिल्कुल डूब चुका है क्योंकि बारिश सुबह से लगातार हो रही है। और ऐसे में जो परेशानी है प्रशासन की वो भी बढ़ गई है, लेकिन किसी तरीके से मतगणना कार्य की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बताते चले कि अभी जैसे शुरुआत हुई है मतगणना कार्य की, 45 से 50 मिनट में एक एक पंचायत की जो फैसले होंगे वो आपके सामने आने लगेंगे। जैसे कि एसडीओ ने बताया कि एक पंचायत का जो फैसला होगा 45 से 50 मिनट लगेगा उसकी काउंटिंग पूरी होने में। पल पल की जो खबरें होंगी हम आप तक दिखाएंगे कि किस पंचायत से मुखिया का जो फैसला होगा वो कौन होता है, जिला परिषद सदस्य जो है, क्योंकि 15-16 जो है हॉट सीट माना जा रहा है 15,
क्योंकि 15 से चेयरमैन संगीता यादव यहां से प्रत्याशी थी और ऐसे में हॉट सीट माना जा रहा है। कई प्रत्याशियों का फैसला होगा आज जब यहां से ईवीएम खुलेंगे और जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार किस क्षेत्र से कौन मुखिया, वार्ड सदस्य या फिर जिला पार्षद सदस्य बनता है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए एटीएन लाइव, क्योंकि तमाम जो काउंटिंग से जुड़ी, मतगणना कार्य से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान, मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद, मोबाइल 9801112266 व 9128890066।